नमस्कार, स्वागत है आपका महारो राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में योग्यता आधारित शिक्षकों की भारी कमी है, जहां इस संबंध में पूर्व में भी संस्थान के प्राचार्य, आयुक्त महोदय और संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया जा चुका है। तो वही विद्यार्थी लगातार 8 दिन से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वही छात्रों का कहना है कि राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के अस्तित्व और अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुनहरा हो रहे। जब तक प्रशासन द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक व्यवस्था के विरोध में विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया है। भीमसेना ने गुरुवार को चूरू जिले के सोनपालसर गांव में हुई घटना के विरोध में बीकानेर बंद रखा, जहां इस दौरान बड़ी संख्या में भीम सैनिक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि शहर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां भीम आर्मी ने बीकानेर शहर में एक दिन के बंद का आह्वान किया था। तो वहीं दलितों पर अत्याचार को लेकर भीम आर्मी ने सीएम अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। तो वहीं भीम आर्मी ने शांतिपूर्ण बंद कराने की मांग करते हुए गुरुवार को बीकानेर बंद रखा। हमारी मांगे थी कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनको बर्खास्त करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनको फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता और उनको परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। देशभर में एनएमसी बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी उतर आए हैं, जहां इस दौरान सेवारत चिकित्सक संघ के साथ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी कार्य का बहिष्कार किया। वही एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज राव ने बताया कि प्रस्तावित एनएमसी बिल में भारत के सभी चिकित्सकों की ओर से वांछित संशोधन भारत सरकार की ओर से नहीं किए जाने के विरोध में जेएलएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर अवकाश पर रहे। और अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां सोनपाल सर में पुलिस की बर्बरता और गैंगरेप मामले को भीम आर्मी द्वारा प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध किया गया, जहां इस दौरान बहुजन समाजवादी के लोगों ने नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं सौंपे गए ज्ञापन ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा और सरकारी नौकरी और न्याय दिलाने के लिए समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सोनपाल सर गांव में एक नायक समाज के परिवार पर पुलिस द्वारा अमानवीय कृत्य करने के बाद और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत होने के बाद रातों रात उसको जला दिया गया। उसके विरोध में और उसकी भाभी के साथ बलात्कार जैसी घटना का अंदेशा है और इसके विरोध में बाजार बंद रखा गया है और हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और दोषी जो भी पुलिस वाले उनके साथ जितने भी गाँव वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जो धारा अवेलेबल है वो धारा जोड़ के उनके न्याय दिलाया जाए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र के नंदपुरा गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। यह विरोध नंदपुरा गांव को ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायत मीनापड़ा में शामिल करने के लिए किया जा रहा है, जहां इस दौरान ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर नंदपुरा गांव को कुनकाट ग्राम पंचायत में ही रखने की मांग की है। Okay.
ही पहला और कोनोटा में रहे चामा 2 किलोमीटर दूरी पे छोड़ और 9 किलोमीटर पे धरती अब्बा में है ना जी हम जावा कुंजा में हाईवे बीच में पड़ रहा पहले कौन से पंचायत में थे कोनोटा पंचायत में और अब कौन से में जोड़ दी मीणापाड़ा में तो आपका कौन सा गांव आपका नंदपुरा तो आप उसी में कोनोटा में रहना चाहते कोनोटा में रहना चाहता हूँ। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के कई प्रावधानों से नाराज डॉक्टर देश भर में इसका विरोध कर रहे हैं। जहां बीकानेर में भी आज एसपी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स सुबह से ही अवकाश पर रहे, वहीं यहां रेजिडेंट्स की जगह सीनियर डॉक्टर काम संभाल रहे हैं। जहां रेजिडेंट्स डॉक्टर अवकाश पर होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। आज अखिल राजस्थान राज्य सेवा चिकित्सक संघ के बैनर के तले हम सभी चिकित्सक प्रदेश और देश की सरकार से कुछ मांगे रखने जा रहे हैं। देश की सरकार से हमने ये मांग रखी है कि जो देश के अंदर वर्तमान मेडिकल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए जो एनएमसी बिल लाया जा रहा है, उस एनएमसी बिल को लोकसभा में पारित भी किया जा चुका है और आज राज्यसभा में पेश किया जा रहा है, उस बिल को अविलंब वापस ले। उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे न केवल चिकित्सा महंगी होगी बल्कि चिकित्सा शिक्षा भी महंगी हो जाएगी और चिकित्सा शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही निम्न स्तर का हो जाएगा। हरियाली अमावस्या के मौके पर गुरुवार को दिन भर शहर का वातावरण खुशनुमा रहा, जहां गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे जिसके बाद वातावरण में ठंडक आ गई। वहीं हल्की फुहारों के साथ दिन की शुरुआत हुई तो शहर वासियों के चेहरे खिल उठे। दिन भर चली हल्की फुहारे बाद को भारी बारिश शुरू हो गई। उधर बरसात के बाद हरियाली अमावस्या के मेले में जाने वाले मेलार्थियों को उत्साह दुगना हो गया। शहर में गुरुवार को हरियाली अमावस्या का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां इस मौके पर शहर के कई जगहों पर कल्प वृक्षों की पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज हरियाली अमावस है, गुरुवार है, श्रावण शुक्ल पक्ष की अमावस है। हम सब इकट्ठे होकर मतलब भगवान की कल्प वृक्ष की पूजा करने के लिए आए हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना पूरी करे और घर में खुशहाली लाए ताकि सुख शांति घर में सुख शांति बनी रहे। कल्प वृक्ष हमारी हमेशा मनोकामना भी पूरी करता है, इसलिए हमारा और भाव बढ़ जाता है कि हम हर साल जाएं या हर महीने भी हम लोग 12 महीने भी हम पूजा करते हैं कल्प वृक्ष के दिन ताकि हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनाए रखे। जैसलमेर के लाठी कस्बे में लगातार लंबे समय से की जा रही अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण और किसान परेशान है। जहां बिजली के अभाव में किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही हैं, तो वहीं इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज कार्यालय का घेराव कर 2 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया। वहीं समस्या को लेकर ग्रामीणों और किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 महीने से लाठी बिजली विभाग द्वारा मनमानी की जा रही है, लंबे समय से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है और हमने बार बार इसको चेतावनी के बाद में भी ये लाइट नहीं सुचारू रूप से चला रहे, जिसके कारण लाठी के दुकानदार आम ग्रामीण किसान उनका हाल बुरा हाल हो रहा है और ये अगर इन्होंने बिजली सुचारू रूप से चालू नहीं की तो आगे में हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और डिस्कॉम का चांदन डिस्कॉम का हम घेराव करेंगे। देश में सरकारी शिक्षा में बदहाली की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनती नहीं की जा सकती। जहां स्कूलों की दशा बेहद दयनीय हो चुकी है, तो वहीं राजस्थान के जालौर जिले के सायला उपखंड में सरकारी स्कूलों में क्या हाल है, एक रिपोर्ट देखिए। आधुनिक भारत की बदहाल शिक्षा, शिक्षा से लेकर स्वच्छता अभियान की उड़ रही है धज्जियां। गंदगी में बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्र, शौचालय तो बना
लेकिन छत नहीं। छात्र तो हैं पर नदारद मास्टर साहब, कहीं मिड डे मील से महरूम तो कहीं नाले में पड़ा खाना। राजस्थान के जालौर जिले के सायला उपखंड में सरकारी स्कूलों में बच्चे तो समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन मास्टर साहब तो नदारद ही रहते हैं। न्यूज इंडिया की टीम ने जब यहां के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांगणा का निरीक्षण किया तो वहां 6 में से महज 4 अध्यापक ही मौजूद थे। तो वहीं एक तरफ मिड डे मील पर निर्भर रहने वाले बच्चों को स्कूल में खाना नसीब नहीं हो रहा, तो दूसरी ओर खाने की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो नाले में पड़ा मिलता है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें देखिए जिनमें तीसरी चौथी कक्षा के छोटे छोटे बच्चे पानी के भूमिगत खुले टैंक से पानी निकाल रहे हैं। ऐसे में आए दिन हादसों से भी प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं। कितना दिन ये नहीं बनाता? 15 दिन छोले दूध। हाँ, दूध? दूध भी नहीं मिलेगा। तो थे रोटी गट्टी खाई ना वो क्या हाथ लेना वो? गट्टी खा के भी आते हैं और लेकर भी आते। कहाँ नाम था रू? लिब्रेरा। सब लोग कितने बड़े? 7 तारीख से तो कोई नर्स पोशाक बनाने वाली यहाँ पे और नर्स सामग्री। 24 तारीख से पहले का पता नहीं है, 24 तारीख के बाद से कोई पोशाक नहीं। सामग्री भी नहीं है? सामग्री भी नहीं है, सिलेंडर खाली है और बनाने वाले। इसके लिए आपने लिखित में वगैरह कोई भेजा है क्या अधिकारियों? लिखित में नहीं भेजा सर। पीओ ने विजिट वगैरह नहीं की? पीओ साहब से बात नहीं की सिलसिले में। इस संबंध में आपने किसी को बताया कि पीओ वगैरह को? नहीं। इसके बाद न्यूज इंडिया टीम राजकीय प्राथमिक विद्यालय दहियों की धाणी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची, जहां हालात थोड़े बेहतर नजर आए। यहां मिड डे मील भी बच्चों को समय पर मिल रहा है। अगले कदम बढ़े तो सिराना स्थित मोड़ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय का हाल जाना, जहां तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थी। जहां क्लास में बैठकर छात्र हो हल्ला कर रहे हैं और मास्टर साहब ऑफिस में बैठकर मौज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां बच्चों को ना मिड डे मील का खाना नसीब हो रहा है और ना ही दूध और फल। छात्रों का कहना है कि यहां नए सत्र से विद्यालय खुलने के बाद अभी तक पोषाहार नहीं मिला। तो वहीं रियलिटी चेक में किचन शेड पर ताला लटका हुआ मिलता है। आइए इस पर मार्ट साहब की भी सुन लेते हैं जरा। पोशाक की जो है ना व्यवस्था, वो एक दो दिन में कर देंगे हम। दुरुस्त हो गया। नहीं बनने का कारण क्या? पोशाक तो हमें सोचने मिलेगी, पोशाक बन रहा है। आपकी जानकारी में नहीं था? आपकी जानकारी में नहीं था? उन कार्मिकों ने आपको बताया नहीं? कानून अभी आई हमारे पास सोचना। तीसरे कदम पर हमारी टीम सिराना स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचती है, जहां विद्यार्थी विद्यालय के गेट पर मिले। जब हमारे संवाददाता छात्रों से पूछते हैं तो वे बताते हैं कि शिक्षक तो पहले ही स्कूल से छुट्टी लेकर चले गए। बहरहाल एक तरफ सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई योजनाएं ला रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीर, ये हाल प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही के आगे सरकार के तमाम दावे और वादे और निर्देश हवा हवाई साबित हो रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो देश के ज्यादातर प्राथमिक स्कूलों के बुरे हाल हैं, जहां या तो शिक्षक होते नहीं और होते भी हैं तो नदारद रहते हैं। शिक्षकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ज्यादातर स्कूलों में इसी तरह की बुनियादी सुविधाएं भी ना के बराबर है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। देशभर में एनएमसी बिल के विरोध में रेजिडेंस डॉक्टर भी उतरा है, जहां इसी कड़ी में ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में सेवारत चिकित्सकों ने भी बिल के विरोध में गुरुवार को 2 घंटे तक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। जहां इस दौरान डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रस्तावित भारत सरकार की ओर से एनएमसी बिल में संशोधन नहीं किए जाने के विरोध में चिकित्सकों ने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर समय रहते बिल में संशोधन नहीं किया गया तो चिकित्सक उग्र आंदोलन करेंगे। आज राज्य के सेवा चिकित्सकों ने एनएमसी जो बिल पास हो रहा है राज्यसभा के अंदर, उसके विरोध में हम लोगों ने लोगों के खिलाफ कार्य बहिष्कार किया है, क्योंकि इस बिल के अंदर जो प्रावधान है वो देश के स्वास्थ्य के प्रति नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। और इसके लिए डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन होगा।
राजस्थान के जयपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए एडिशनल कमिश्नर प्रथम संतोष चालके ने ज्वाइन करने के बाद से ही तमाम डीसीपी सहित थाना अधिकारियों को टास्क दिए हैं, जिनमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए गए। वहीं इसी के साथ ही कई और कदम भी उठाए गए, जिन्हें लेकर हमारे संवाददाता राकेश दादीज ने की खास बातचीत। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जयपुर शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए एडिशनल कमिश्नर प्रथम संतोष चालके ने तमाम डीसीपी को टास्क दिए पिछले दिनों में। आइए जानते क्या टास्क दिए और कैसे कानून जो व्यवस्था है जो क्राइम को कंट्रोल करना है उसके बारे में जानते हैं। सर, क्या टास्क दिए अपने विगत दिनों में? आपने देखा कि जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया उसके बाद पहली कार्रवाई भाकुरोटा में थी, जो सुनसान इलाकों में, बाहरी इलाकों में जो बिल्डिंगें बनी हैं वहाँ बाहर से लोग आते हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और वो आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं। अपहरण करने वाली एक हाई प्रोफाइल गैंग जिसका कार्यक्षेत्र अंतरराज्य है, उस गैंग को पुलिस ने काबू किया। उसके बाद ये महसूस किया गया कि जयपुर शहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जयपुर शहर टेक ऑफ कर रहा है। ऐसे समय पर बाहरी इलाकों में जो ओनरशिप फ्लैट्स बने हैं उन फ्लैट्स में जो भी लोग आके रहते हैं उसमें जो भी अवैध गतिविधि होती है उस पर चेक करने के लिए वहाँ हर किराएदार, हर चौकीदार का, हर नौकरदार का सत्यापन होना जरूरी है। इसलिए पहला टास्क हमने दिया कि बीट कॉन्स्टेबल्स अपने अपने इलाके में जाए और हर जगह वो किराएदार, नौकरदार और अन्य लोगों का जो बाहर से आए हैं उनका वेरिफिकेशन करें। ये पहला टास्क था। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि शराब पीकर वाहन चला के जो जयपुर में केडीएस सर्कल पर जो हादसा हुआ उसके बाद रात में शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पे शिकंजा कसने के लिए हम रात में केवल यातायात पुलिस नहीं, जयपुर शहर के 51 थाने अपने समस्त संसाधनों के साथ वाहन शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई कर रहे, आकस्मिक कार्रवाई कर रहे, रात को 1:30 बजे तक ये कार्रवाई कर रहे, 400-400 लोगों का पर डे चलान कर रहे। उसके बाद हमने पाया गया कि बिना नंबरी वाहन जो है उसका भी शहर में भारी मात्रा में प्रचलन है। तो ये केवल यातायात पुलिस का सरदर्द नहीं, इस बिना नंबरी वाहन से हर प्रकार के अपराध भी होते हैं, चाहे वाहन चोरी हो, चेन स्नैचिंग हो, मोबाइल छीनना हो, पर्स छीना झपटी हो। तो हमने तीसरा अभियान चलाया बिना नंबरी वाहनों के ऊपर और आपने कल देखा करीब 400 वाहनों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। उसके बाद हमने पाया कि जो ब्लैक शीशे वाले वाहन होते हैं, ब्लैक फिल्म वाले वाहन होते हैं, उसमें भी अवैध गतिविधियाँ हो रही है। तो ब्लैक फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ भी हमने एक बड़ा अभियान चलाया, उसमें भी करीब 300 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एमवी एक्ट की कार्रवाई केवल यातायात की नहीं है, इसमें संबंधित लोकल थाने की भी जिम्मेदारी है। और आपने देखा होगा कि जयपुर में यातायात पुलिस का प्रेजेंस बाहरी थाने जैसे बगरू में नहीं है, कानोता नहीं है, बस्सी नहीं है, कोटखावदा नहीं, चौमू में नहीं है, तुंगा में नहीं है, वहाँ लोकल थाने को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बात का एहसास हमने उनको दिया है और एमवी एक्ट के जरिए हम क्राइम कंट्रोल का एक नया तरीका अपना रहे। ये नया हमारा ये तरीका है जिससे हम क्राइम को कंट्रोल करें। सर, देखा गया है कि अभी नशे को लेकर सीएम साहब भी बड़े सख्त नजर आ रहे थे, पीएचक्यू की तरफ से भी प्रदेश स्तर पे एक टास्क दिया गया था कि नशे की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा करें, जो नशे के सौदागर है उनको पुलिस अपनी गिरफ्त में ले। तो क्या जयपुर कमिश्नरेट में भी इस तरह की कार्रवाई के निर्देश जारी हुए? हम नशे के खिलाफ एक अभियान जल्द ही शुरू करने वाले हैं और इसके बारे में जल्दी घोषणा करेंगे। न केवल नशे के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, जो नशेड़ी लोग हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए भी हम एक सघन अभियान शुरू करेंगे जिसकी जल्दी घोषणा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ संतोष चालके, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जयपुर शहर में क्राइम कंट्रोल के लिए इन्होंने टास्क दिया है और बखूबी तौर पर जो पुलिसकर्मी है वो जुटे हुए नजर आते हैं। करीब रात देर रात तक जो नाकाबंदी का जो पुलिस की तरफ से चलता है उसमें कहीं ना कहीं आम जन को भी ये विश्वास होता है कि पुलिस
नाके पर है, हम सुरक्षित है और नशे को लेकर ये जल्द ही एक नया टास्क शुरू करने जा रहे हैं जिस पर लगाम लग पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो पुलिस नाकाबंदी करती है, जो संदिग्धों से पूछताछ करती है, शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटना हो रही है इन दिनों जो लगातार बढ़ती जा रही है उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन लव कुमार के साथ राकेश दादी, न्यूज इंडिया, जयपुर। लोकसभा और राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, तो वहीं तीन तलाक कानून लागू हो गया है जिसे कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सरकार की मर्जी का बिल बताया है। तो वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सचिव यास्मीन फारूकी ने कहा कि यह बिल तो सरकार ने पास करवा दिया है, अब सरकार ये कानून भी बना दे कि जिस औरत को तलाक दिया गया है उसका पालन पोषण सरकार करे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून को सिविल एक्ट की जगह क्रिमिनल एक्ट बना दिया गया है। लागू हो गया कानून, कर दिया, उनकी मर्जी थी, जबकि आपको पता है कि लाखों औरतें सड़क पे आई थी और उन्होंने एहतजाज किया था कि नहीं हमें ये कानून मंजूर नहीं है, उसके बावजूद भी पास किया है उन्होंने। अब एक बिल और पास कर दें कि जो उन्होंने खामियां रखी हैं इस बिल में, जो कि हर जो जानता है कानून उसे पता है कि एक तो इसको क्रिमिनल बना दिया उन्होंने जो कि सिविल मैटर है, और इसको डायरेक्टली क्रिमिनल बना लिया, 3 साल की जेल कर दी। आप एक बात फिर ये बात भी एक कानून बना दें कि जब पति जेल में 3 साल होगा तो उन औरतों के जो कि जिनकी बीवी हैं उनको वजीफे दे दें, जिनको पहले भी तलाक़ें हो गई हैं उनके भी वजीफे बांध दें। भाई सड़क पे तो वो औरत आएगी, उनको मुझे हैरत है कि इनमें खामियां नज़र नहीं आई कि 3 साल तक वो कहाँ से खाएगी, कहाँ से अपने बच्चों को पालेगी। सोनपालसर गांव की घटना को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर बाजार बंद का सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में भी मिला जुला असर देखने को मिला। तो वहीं बाजार बंद को सफल बनाने के लिए सर्व समाज के लोग बाजारों में घूमते नजर आए। वहीं बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी बाजार में मुस्तैद नजर आया। हालांकि बाजार बंद को लेकर व्यापारी संगठनों की ओर से समर्थन नहीं होने के कारण बाजार खुले भी नजर आए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।